ओके सो हाय गाइस, दिस इज गेमिंग प्रोशन एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंसिटिविटी के बारे में। सेंसिटिविटीज़ क्या होती हैं, कैसे हमारी गेम को इफेक्ट करती हैं एंड हमें अपनी क्या सेंसिटिविटीज़ रखनी चाहिए ताकि हमारा गेम प्ले बहुत अच्छा हो सके, हम लोग उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एंड आप लोगों ने हमेशा देखा होगा जो भी लोग खेल रहे होते हैं गेम को, वो लोग जाते हैं सेंसिटिविटी में, कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, कुछ चीज़ें बढ़ाते हैं, कुछ कम करते हैं एंड उसके बाद फिर लोग देखते हैं कि हाँ ये अच्छा खेल रहे हैं, इनका रिएक्शन टाइम बढ़िया है, ये बहुत अच्छे से खेल पा रहे हैं, ये सब कैसे कर पा रहे हैं, लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी के कारण, राइट? तो उसी सेंसिटिविटी के ऊपर अपन लोग बात करेंगे, दैट हाउ सेंसिटिविटी कैन मेक द गेम और हाउ सेंसिटिविटी कैन ब्रेक द गेम। तो शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप नए हो इस चैनल पर, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। पसंद आती है वीडियो तो यार 30 लाइक्स का एम रखेंगे, बस 30 लाइक्स करवा देना एंड शेयर करना इस वीडियो को, बिकॉज सेंसिटिविटी के बारे में बहुत लोगों को डाउट होते हैं एंड ये वीडियो हर एक डाउट क्लियर कर देगी आपका। मोर ओवर गाइस, हमारा गिव अवे आ रहा है, गिव अवे के रूल्स बहुत सिंपल है, यू नीड टू बी अ सब्सक्राइबर, यू नीड टू शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन एंड आफ्टर दैट यू नीड टू एक्चुअली फॉलो मी आउट ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पर मैं गिव अवे की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स डालता रहूँगा। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे सेंसिटिविटी, हम लोग तीन बेसिक सेंसिटिविटीज़ क्या बोलते हैं यार मैं कभी कभी, के बारे में बात करेंगे, लो, मीडियम एंड हाई, राइट? अब ये चीज़ें हम लोग जैसे मीडियम सेंसिटिविटी पे हमें सबसे पहले मिलता है, जिसमें थर्ड पर्सन, ये वाली चीज़ कैमरा का थर्ड पर्सन 100 पे है, राइट? व्हाट दिस इज, आप मेरे फिंगर टैप्स देख पा रहे हो, ये मेरा राइट थंब है, ये मेरा लेफ्ट थंब है। व्हाट दिस डज इज, मैं जैसे मूव कर रहा हूँ, जैसे ही मैं हिलाता हूँ अपनी स्क्रीन को, उसी हिसाब से मेरा पूरा का पूरा पर्सन की मूवमेंट हिलती है, राइट? नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं सेंसिटिविटी में जाता हूँ, लो करता हूँ इसको, अभी 100 से 80 हो गया थर्ड पर्सन नो स्कोप। व्हाट इट डज इज, थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम, जैसे मैं हिला रहा हूँ उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम कर रहा है, बट नाउ आफ्टर दिस लेट मी एक्चुअली जस्ट पुट वन चेंज, मैं सेंसिटिविटी को मिनिमम ले जाता हूँ, राइट? और अब दिक्कत देखना आप लोग, मैं पूरा कैमरा, मैं अगर आप देख पा रहे हो, आई होप आप देख पा रहे हो, बहुत मिनिमल मूवमेंट है, जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ इतनी मिनिमल मूवमेंट है, कुछ हो नहीं सकता। दिस इज दी स्लोएस्ट रिएक्शन टाइम समवन कैन एवर हैव, लाइक दी स्लोएस्ट, जैसी मूवमेंट हो रही है उस हिसाब से कैमरा की मूवमेंट इज दी मिनिमम, राइट? दिस इज व्हाट विल हैपन इफ यू आर चूजिंग द थर्ड पर्सन नो स्कोप। इसी तरह से फर्स्ट पर्सन नो स्कोप के लिए भी सेम चीज होगी, FPS के लिए चला जाएगा, मतलब फर्स्ट पर्सन शूटिंग के लिए। और इसी तरह से रेड डॉट वगैरह, ये होता है जब आपने कोई स्कोप लगा रखा है ना, ये उस चीज़ पे काम आता है। मैं स्कोप के साथ मूव कर रहा हूँ, बट अब अगर हम जाते हैं सेंसिटिविटी में और थर्ड पर्सन नो स्कोप को मैं 1% कर देता हूँ, आफ्टर दिस व्हाट आई ट्राई, व्हेन आई ट्राई टू मूव इट, ये बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है, राइट? ये चीज़ होती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी आपको कैसे काम आती है, अब मेरी नॉर्मल गेम प्ले तो अच्छी मूव कर रही है, बट मेरी रेड डॉट की मूवमेंट बहुत मिनिमल हो चुकी है, राइट? लो सेंसिटिविटी कोई क्यों रखना चाहेगा मुझे नहीं पता, बट इफ़ यू आर लाइक एन एविड जायरो प्लेयर ना, जायरो विद 4 fingers और 5 fingers, तो आपको लो सेंसिटिविटी सही रहेगी, बिकॉज आप 5वीं finger को कंट्रोल कर सकते हो, 4थी finger से कंट्रोल कर सकते हो मूवमेंट एंड साथ में आप जायरो के थ्रू अपने कैमरा के एंगल्स एंड सबको कंट्रोल कर सकते हो, तब आपको लो सेंसिटिविटी ठीक रह सकती है। अदरवाइज आई रिकमेंड लो सेंसिटिविटी ना रखी जाए तो काफ़ी बढ़िया, राइट? आफ्टर दिस वी हैव अ मीडियम सेंसिटिविटी। मीडियम सेंसिटिविटी वो सेंसिटिविटी है जिसके साथ कि हमने हमेशा से खेला है, हमेशा से हम खेलते हैं, हमेशा से इस चीज़ को हमने ट्राई किया, हमेशा इस चीज़ के साथ इस चीज़ को यूज़ किया हमने, राइट? एंड ये सबसे बेसिक सेंसिटिविटी है एंड ये मीडियम इसलिए इस हिसाब से मीडियम होती है कि हर फोन के सेंसर्स अलग अलग तरीके से आपकी स्क्रीन को कैलिब्रेट करते हैं। आपने किसी फ़ोन को जिस तरीके से टच किया है उसी हिसाब से आपकी स्क्रीन की कैलिब्रेशन होती है। अब मैं 5 fingers के थ्रू टच कर रहा हूँ अपने फ़ोन को, तो उसी हिसाब से मेरी फ़ोन की कैलिब्रेशन है कि कहाँ कहाँ पे फिंगर टैप्स हो रहे हैं, राइट? लेकिन हर फोन का अलग अलग होता है। मेरा OnePlus 5T है जिसपे मैं खेलता हूँ, आईफोन्स के डिवाइसेस का थोड़ा सा अलग होता है टैपिंग एंड सैमसंग के डिवाइसेस का थोड़ा सा अलग होता है। सैमसंग एक्चुअली हैज़ दी हाईएस्ट टैपिंग दैट यू नो स्क्रीन कैलिब्रेशन, इट हैज़ दी बेस्ट स्क्रीन कैलिब्रेशन एंड आईफोन हैज़ दी यू नो दी नॉर्मलेस्ट स्क्रीन कैलिब्रेशन टू एवर हैव। बट अगर हम लोग बात करते हैं इसी चीज़ के ऊपर, तो मीडियम सेंसिटिविटी हर फोन के लिए भी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने एक फ़ोन पे, आप मान लीजिए किसी Xiaomi के फ़ोन पे आप मीडियम सेंसिटिविटी से खेलते थे, राइट? उसके बाद एकदम से आपने लिया आईफोन, आप उस पर मीडियम सेंसिटिविटी से खेल रहे हो, बहुत थोड़ा सा आपको लेकिन डिफरेंस दिखेगा, डिफरेंस होगा थोड़ा सा बट होगा। दैट इज़ हाउ मीडियम सेंसिटिविटी इज़। सो मीडियम सेंसिटिविटी इज़ लाइक दी मोस्ट नॉर्मल सेंसिटिविटी, सो आपने जब भी खेलना आप मीडियम को यूज़ करके खेल सकते हो, राइट? एंड मीडियम अपने आप आपका हाथ बिठा देती है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी गोना टॉक अबाउट हाई सेंसिटिविटी। हाई सेंसिटिविटी हर एक चीज़ 120% है एज ऑफ नाउ, बट वट हाई सेंसिटिविटी डज इज,
जस्ट लुक एट द मूवमेंट, मैंने जितना मैं कैमरा को मूव कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है. व्हाट दिस मूवमेंट इज, ये हाई रखो अपना, बट ओनली वन थिंग, आपको रिएक्शन टाइम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, बट हाँ आपको अपनी स्क्रीन को उसी हिसाब से देखना पड़ेगा. मैं मान लो इस एरिया को देखना चाहता था, साथ के साथ मेरे को इस वाले घर पे शूट करना है, दोनों घरों में बंदे हैं, तो मैं जब यहाँ से इधर करूँगा तो वो मेरे को देखना पड़ेगा कितने ज़्यादा एंगल पे करना है, बिकॉज अगर मैं एकदम से करूँगा तो मैं तो कहीं और ही पहुँच गया, राइट. सो दैट इज़ वॉट इट इज़. हाई सेंसिटिविटी को भी आपको खुद से देखना पड़ेगा कि आपको सेंसिटिविटीज कितनी हाई रखनी है. यहाँ से अगर मेरे को जस्ट इतना जाना है, लेकिन यहाँ से अगर मेरे को जस्ट कुछ ज़्यादा जाना है, सो दैट इज़ वॉट इट विल बी. अगर आपको बहुत डिसेंट सेंसिटिविटीज़ चाहिए जो कि आपका रिएक्शन टाइम बढ़ा सकती हैं, मैं उसका स्क्रीनशॉट एट द एंड ऑफ द वीडियो डाल दूंगा गाइस, आप उसको कॉपी कर सकते हैं. वो मेरी सेंसिटिविटी नहीं है, वो सेंसिटिविटीज़ मैंने कुछ प्लेयर्स को देख कर बनाई थी, उनकी सेंसिटिविटीज़ यूज़ करी थी. स्टार्टिंग में खेलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको उस सेंसिटिविटी से, बिकॉज वही आपको हाथ बिठाना तो आपको खुद से पड़ता है, राइट. तो स्टार्टिंग में खेलने के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट जैसे जैसे आप खेलते रहोगे ना, जैसे जैसे आपका धीरे धीरे हाथ बैठता रहेगा, आप लोगों को कोई नहीं हरा सकता. ये सेंसिटिविटीज इस टाइप से बनाई गई हैं कि ये थंब प्लेयर भी यूज़ कर लेगा एंड एक फोर फिंगर क्लॉ प्लेयर भी यूज़ कर लेगा, थ्री फिंगर वे जायरो भी यूज़ कर लेगा, और नॉन जायरो हर तरह का प्लेयर यूज़ कर सकता है इन सेंसिटिविटीज़ को, बिकॉज ये सेंसिटिविटीज़ मुझे निकालने में थोड़ा सा टाइम लगा था एक्चुअली, एंड बट बन गई. सो आई एम हैप्पी फॉर दैट. मैं एक्चुअली मीडियम पे खेलता हूँ, बट ये सेंसिटिविटीज़ मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर सेंसिटिविटी का मैंने एक पर्पज़ एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो के लिए मैंने यूज़ किया था. बट एक्चुअली आई यूज़ मीडियम सेंसिटिविटी बिकॉज मुझे नहीं पता कब मुझे फ़ोन बदलना पड़ेगा, कुछ हो जाए, सो मैं एक बेसिक सेंसिटिविटी लेके चलता हूँ, दैट्स वाई. बाकी गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड बाकी तो यार 30 लाइक्स का गोल रहेगा इस पूरे मतलब आउटरों के बाद. मैं उस सेंसिटिविटीज़ के स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि गिव अवे में पार्ट लेने के लिए आपको रूल्स बता दिए गाइस. रूल्स आर रियली सिंपल, यू नीड टू लाइक दिस वीडियो, वो तो रूल नहीं है ऑब्वियसली, सॉरी, बट यू नीड टू बी अ सब्सक्राइबर, यू नीड टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, यू नीड टू फॉलो मी आउट ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज उसके ऊपर मैं सारे रूल्स डाल दूंगा वंस वी रीच अ सब्सक्राइबर गोल. ऑलराइट, एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को, आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. Yes.